उनको कैसा रिहा करे, वो बमन है, अगर बमन कत्ल करे तो भी अच्छा संस्कार है। 2002 गुजरात दंगों में 5 महीना प्रेग्नेंट बिल्किस बानो का 11 हिंदू संगठन के गुंडों ने बेरहमी से रेप कर बिल्किस बानो के 3 साला मासूम लड़की के साथ कुल 14 लोगों का कत्ल कर दिया था। तुम ये दुनिया दिखाना चाहते हो मोदी जी, ये दुनिया नहीं चलेगी, हम इसके लिए आवाज उठाएंगे, हर बार आवाज उठाएंगे। इस दर्दनाक हादसे के बाद 2008 में CBI स्पेशल कोर्ट ने रेप और मर्डर करने वाले 11 अपराधियों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। मोदी जी आपको इस देश का लोग नहीं छोड़ेंगे, समझ लो। इन अपराधियों को उम्र कैद की सजा होता देख ऐसा लग रहा था कि बिल्किस बानो को इंसाफ मिल गया है। जो औरत खुंदली गई, कुचली गई, उस औरत के रेपिस्ट को बड़ी इज्जत से फूल पहनाकर पेड़े खिलाकर आजाद किया गया। लेकिन 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे के मौके पर एक तरफ लाल किले से नरेंद्र मोदी महिलाओं की सुरक्षा पर भाषण दे रहे थे और दूसरी तरफ बिल्किस बानो का रेप कर उनके परिवार का कत्ल करने वालों को उम्र कैद की सजा होने के बावजूद मोदी सरकार ने जेल से रिहा कर दिया है। अमृत महोत्सव के दिन भारत के लोगों को अमृत नहीं दिया, विष दिया, और जो रेपिस्ट है, जो मर्डरिस्ट है, उनको अमृत दिया। और सबसे शर्म की बात तो यह है कि इन बलात्कारियों को जेल से रिहा होने के बाद विश्व हिंदू परिषद के लोग इनका सम्मान कर इनको मिठाई खिला रहे हैं। ಇಲ್ಲಿವ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮನ್ನ ಆಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಚಾಯ್ ಯಾವ ತರ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಜಿ ಅವರು ಚಾಯ್ ಮಾರಿದರೆಲ್ಲ ಯಾರು ನೋಡಿಲ್ಲ। This video present by Mannur Multi Speciality Hospital, highly qualified and well experienced doctors team for emergency and trauma care 24/7 at Bale Hills Circle Ring Road, Gulbarga। देखो आज हर संगठन वाले मिलकर दौर्जन्य विरोधी वेदिका एक फोरम हम बनाए हैं, हर संगठन वाले मिलकर आज हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बीजेपी सरकार 75 अमृत महोत्सव के दिन भारत के लोगों को अमृत नहीं दिया, विष दिया, और जो रेपिस्ट है, जो मर्डरिस्ट है, उनको अमृत दिया। बिल्किस बानो के ऊपर जो अत्याचार करे हैं उनको रिहा करें। सुप्रीम कोर्ट उनको जीवावधि शिक्षा दिया था, इन्होंने रिहा करे। किसको किस कौन परमिशन दिया आपको? बच्चा को मार डाले, 22 बार रेप करे, लोगों को मार डाले, उनको कैसा रिहा करे? वो बमन है, अगर बमन कत्ल करे तो भी अच्छा संस्कार है। ये मनुस्मृति की बात कर रहे हैं क्या, संविधान की बात कर रहे? मनुस्मृति की बात कर रहे हैं। मोदी जी आपको इस देश का लोग नहीं छोड़ेंगे, समझ लो। आज हम कर्नाटक में सभी लोग रास्ते के ऊपर आकर पूछ रहे हैं, ये आपका मनुस्मृति है, वापस हम करते हैं, उसको धिक्कार करते हैं, उसको नाश करते हैं, और संविधान को अजरामर करने के लिए आज हम इधर आए हैं। बिल्किस बानो को न्याय के लिए, जो बच्चा को मार डाले हैं, अस्पृश्यता खत्म करने के लिए, और जो मुरुगराजेंद्र स्वामी जी ने उनके ऊपर आरोप आया है उनका निष्पक्षपात उनके ऊपर इंक्वायरी करना और उनको सजा देना, ये करने कहने के लिए हम आज ये प्रोटेस्ट में आए हैं। मोदी जी कौन सी सरकार चलाना चाहते हैं हमें समझ में नहीं आ रहा। लाल किले में ठहर के वो औरतों की आज़ादी और सुरक्षा और बेंबल के बारे में बात कर रहे थे, उसी दूसरी तरफ गुजरात में 11 रेपिस्ट लोगों को, जो औरत खुंदली गई, कुचली गई, उस औरत के रेपिस्ट को बड़ी इज्जत से फूल पहनाकर पेड़े खिलाकर आज़ाद किया गया। वो ऐसा कौन सा महान काम कर रहे थे स्वतंत्र 75 महोत्सव के दिन, जो 11 रेपिस्ट को जेल से रिहा किया गया है? ऐसा कौन सा महान वीरों वाला काम किए थे? ये मोदी जो आप कर रहे हैं बहुत गलत कर रहे हैं। देश की आवाम जनता इतने भी आंख बंद कर नहीं बैठे, ना बहरी है ना गूंगी है, वो आवाज़ उठाएंगे। जैसे इस तरह आज सारे संगठन वाले हाथ जोड़े हैं, वैसे ही पूरी लोग देश की जनता हाथ जोड़ेंगे, आपके लिए आवाज़ उठाएंगे। जो 11 लोगों को बहरे, एक बिल्किस बानो के
14 मेंबर को बहरीमी से लाठियों से जंजीरों से मार के पीटा फेंका गया। बिल्किस के सामने उसकी माँ और कजन्स का रेप करके फेंका गया और 11 लोग मिलकर एक बिल्किस का जो 5 महीने की प्रेग्नेंट औरत थी उसका रेप करके जो बिना एक कपड़ा भी नहीं था हांग पे वैसी हालत में तुम छोड़ के गए थे। वो बिल्किस बानो क्या सोच रही है, उस पर क्या बीत रही होंगी, वो क्या सोच रहे होंगे ये 11 रेपर जब बाहर आए तो उसको कितना सहम जाते होंगे ना, वो मंजर याद आता होगा। तो तुम ये दुनिया दिखाना चाहते हो मोदी जी, ये दुनिया नहीं चलेगी, हम इसके लिए आवाज़ उठाएंगे, हर बार आवाज़ उठाएंगे। यही मैं सरकार से कहना चाहता हूँ, 11 लोगों को फिर से जेल में डालकर फांसी की सज़ा देना चाहिए। हिंदू मुस्लिम ना कीजिए, देश को चलाइए, मैं यही मोदी जी से कहना चाहती हूँ। इडी विश्वदे महिड़े ಒಂದು ಗೌರವ ಸ್ಥಾನ ತಾಯಿ ಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಹ ಒಂದು ಸನ್ನಡತೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒಂದು 11 ಜನ ಬಲಾತ್ಕಾರಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವದ ದಿನ ಅಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದುರಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಮಹಿಳೆಯರಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಅಲ್ಲ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಲ್ಲ, ಹೆಣ್ಣು ಹೆಣ್ಣೆ, ಒಂದು ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡುವಂಥ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು 11 ಜನರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾರಂದರೆ ಈ ಮೋದಿಯವರು ಈಗಾದರೂ ಮಾತಾಡಲೇಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ಮಹಿಳೆಯರು ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ನಾವು ಬೀದಿಗಿಳಿದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಹ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತಡೆಗಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಒಂದು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಸರ್ಕಾರನೇ ಮೋದಿಜಿಯವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ, ಎದ್ದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರನೇ ಈ ಥರ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ವಿಷ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಲ್ಲುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಪಮಾನ ಮಾಡಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಗುಜರಾತ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಹಿಳೆಯರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಏನಂತ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, 11 ಜನರನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬೇಕು, ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗೋವರೆಗೂ ಅವರು ಜೈಲಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲೇನು ಮುರುಗೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಏನು ಕೇಸ್ ದಾಖಲೆ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಪೋಸ್ಕೋ ಕೇಸು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ದಾಖಲೆ ಆಗಬೇಕು. ಒಂದು ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ದಲಿತ ಬಾಲಕ ನೀರು ಒಂದು ಮಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುಡಿಯುವ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಕನೇ ಆ ಮಗುವನ್ನು ಹೊಡೆದು ಸಾಯಿಸುತ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಈ ದೇಶದ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಯಾವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಎದ್ದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ BJP ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚಾಯಿ ಯಾವ ಥರ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರು ಚಾಯಿ ಮಾರಿದರೆಲ್ಲ ಯಾರೂ ನೋಡಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಮತ್ತು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿರೋ ಜನರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಸುಮ್ಮಿರಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸಂವಿಧಾನ ಇದೆ. ನಾವು ಬಡವರ ಸಿಟ್ಟು ರಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದರೆ ಏನಾಗ್ತಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾದರೆ ಮೋದಿನೂ ಇರಲ್ಲ ಮತ್ತು ಯಾರಿರಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನ ಇದೆ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ದೌರ್ಜನ್ಯ ವಿರೋಧಿ ಒಕ್ಕೂಟದಿಂದ ಹೇಳಲು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ರೇಣುಕಾ ಸರಡಗಿ, ಸ್ಲಂ ಜನ ಆಂದೋಲನ ಸಂಘಟನೆ ಕಲಬುರಗಿ. जिंदगी का हर पल रहे खुशियों भरा, प्यार का हर रंग लगे दिलकश और हसीन. HKGN फर्नीचर्स कंप्लीट बेड सेट, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल. इसके अलावा आपकी लाडली के लिए मुकम्मल मैरिज सेट सिर्फ और सिर्फ 44,999 रुपए में, और इसके साथ डबल डोर अलमारी और बेड सेट बिल्कुल फ्री. आज ही विजिट करें प्रोप्राइटर मोहम्मद नसीर किश्ती. एड्रेस फरीद कॉम्प्लेक्स, ओवेसी हिल, हैदराबाद. कॉन्टैक्ट 9912857230 और 9346062190.